वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी तो इस नू लाइक ते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो उन्हां दे लई है जिन्हां दीआं अखां दे विच बड़े वड्डे वड्डे सुपने आ, मन विच बड़ियां इच्छावां ने, बड़े सुपने वेखे आ, जां फिर कई मेरे वीर भैणां ओह वी ने जिन्हां दे सुपने अधूरे रह गए ने, तो अक्सर ही किसी पाठ की या किसी शब्द की मांग करते हैं कि सानू साडी मंजिल तक पहुंचने दे लई, साडे सुपने तक पहुंचने दे लई सानू कोई पाठ दसो, किसी शब्द का जाप दसो जिस नाल असी अपने सुपने तक पहुंच सकीए, भाव कि साडे मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो अपनी अज की वीडियो का विषय यही आ, इस विषय के उत्ते आप गल करांगे, गल करांगे कि मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी किन्हां दे उत्ते कृपा करदे ने, किस तरह मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी बांह फड़दे ने अते साडियां सारियां इच्छावां सारियां अरदासां पूरियां करदे ने। इस वीडियो दे विच ओह जुगती बारे गल करांगे। इस करके सारियां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नूं पूरा अंत तक अते ध्यान नाल सुनना अते समझना। तो देखो जी, कई मनुख हुंदे ने जो अपनी इच्छा नूं पूरी करन दे लई अनेकां पापड़ वेलदे आ कि साडा सुपना, साडी इच्छा, साडी अरदास पूरी हो जावे, अते ओह अपनी इच्छा नूं पूरी करन दे लई कई पुठे सिद्धे काम भी कर बैठदे आ। किसी भी काम नूं करन तों ग्रेज नहीं करदे, उहनां नूं सिर्फ मतलब हुंदा है अपने सुपने तक, अपनी मंजिल तक पहुंचन दे लई। उन्हां लई इह गल बिल्कुल मायने नहीं रखदी कि इह रस्ता सही जां गलत आ, उह कई तरह दे शॉर्टकट अपना के अपनी मंजिल तक पहुंचन दे लई तैयार रहिंदे ने। पर याद रखना, गलत तरीके दे नाल कीता होया काम कदे भी सानूं खुशी नहीं दे सकदा। हाँ, आपां गलत तरीके दे नाल उस इच्छा नूं, उस चीज नूं हासिल कर लवांगे, पर याद रखियो बहुतियां हथों गवाउणियां भी पैणगियां। पर जेकर आपां चाहुंदे आ कि साडा सुपना भी पूरा हो जावे, साडी इच्छा भी पूरी हो जावे अते सानूं अपने हथों कुछ गवाउणा भी ना पवे, तो फिर अज तों अपना पाठ करन दा, अपनी अरदास करन दा ढंग तरीका बदल दो। देखो जी, आपां अपनी इच्छा नूं पूरी करन दे लई पाठ करदे आ, अरदास करदे आ, चंगी गल आ, करनी भी चाहीदी आ, क्योंकि सब कुछ उस वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे हथ विच आ, जे ओह चाहुण तां की नहीं कर सकदे, पर अपने हथ विच सिर्फ पाठ करना है अते अरदास करनी है। फल देना है जां नहीं देना, इह तां मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी दे हथ विच आ। पर जिहड़ी अज तुहानूं जुगती अते पाठ दसण जा रहे आ ना, जे आपां इस तरीके दे नाल पाठ करांगे अते अरदास करांगे तां मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी नूं 100% साडी इच्छा पूरी करनी पवेगी, अते मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी करदे वी आ। इस तरीके दे नाल कीते होए पाठ दा फल, कीती होई अरदास दा फल वाहेगुरु अकाल पुरख जी हत्थों हत्थी सानू दे दिंदे ने। ते जेकर चाहुंदे आ कि सानू भी मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी साडे कीते होए पाठ, कीती होई अरदास दा हत्थों हत्थी फल देण, तां अज तों अपने पाठ करन दा अते अरदास करन दा तरीका बदल दो। अज तो ये रट्टा लाउणा बंद कर दो कि वाहेगुरु जी मेरी इच्छा पूरी कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। अज तो ये कहना है कि हे वाहेगुरु अकाल पुरख जी, मैनू मेरे सुपने तक पहुंचन दे लई, मेरी मंजिल तक पहुंचन दे लई मैनू मत बख्शो, मैनू ज्ञान बख्शो। तो देखना मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी ये अरदास तुहाडी झट पूरी करनगे। अते ज्ञान अते मत कित्थों मिलनी आ, ये मिलनी आ गुरबाणी दे विचों, ते गुरबाणी तो मत तां मिलेगी जे आपां गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़ांगे, गुरबाणी दे अर्थ समझ समझ के पढ़ांगे। जिस दिन भी अर्थ समझन लग जाओगे ना, एक शब्द दे विचों अनेकां ही अर्थ निकलणगे अते ओह अर्थ तुहानूं तुहाडी मंजिल तक, तुहाडे सुपने तक पहुंचाउणगे। उस अर्थ दे विच तुहाडे सारियां मुसीबतां दे, सारे दुखां दे हल होणगे। एक गल हमेशा याद रख्या करो कि मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी भी उन्हां दा साथ दिंदे ने, उन्हां दे ही सुपने पूरे करदे ने जो हिम्मती हुंदे आ, जो उद्यमी हुंदे ने। इह नहीं कि आपां हथ ते हथ रख के बैठे रहांगे अते पाठ करदे जावांगे कि वाहेगुरु जी मेरी आह इच्छा पूरी कर दो, मेरी ओह इच्छा पूरी कर दो, ते इस तरह आपां कुछ भी हासिल नहीं कर सकदे। जे हासिल करना है, जे कुछ प्राप्त करना है, तां मेहनत करनी ही पैणी आ। तुहाडी कीती होई मेहनत दा फल मेरे वाहेगुरु अकाल पुरख जी जरूर देणगे। साडियां सारियां चिंतावां, सारियां परेशानियां, सारे सुपनियां दा हल गुरबाणी सानूं दसदी आ।
पर साढ़े तक वो हल वो ज्ञान ता पहुंचेगा ना जेकर आप गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़ांगे। आपां तां सिर्फ रट्टे दे नाल गुरबाणी नूं पढ़दे रहिंदे आ अते अरदास दे विच वी इही रट्टा लगांदे रहिंदे आ कि वाहिगुरु जी इच्छा पूरी कर दो, वाहिगुरु जी अरदास पूरी कर दो। जिस दिन भी उस वाहिगुरु अकाल पुरख जी तों आपां ज्ञान मत मंगण लग गए ना उस दिन साढ़े जिंदगी की सारी मोहताजी खत्म हो जाएगी। सानू किसी भी चीज दे लई सानू किसी दे अगे हाथ नहीं अड़ना पवेगा। मेरे वाहिगुरु अकाल पुरख जी सानू ओ मत बख्श देणगे, ओ ज्ञान बख्श देणगे जिस ज्ञान दे नाल असी अपने मंजिल तक अपने टीचे तक पहुंच पावांगे। तो इस करके अपने वाहिगुरु अकाल पुरख जी तो हमेशा ज्ञान मंगो मत मंगो। इस करके गुरबाणी पढ़िया करो, सुनिया करो, विचारिया करो अते गुरबाणी तो अपनी जिंदगी जीउण दा ढंग सीखो। क्योंकि जो आप गुरबाणी के हिसाब नाल अपनी जिंदगी जीउने आ ना तो कदे भी आप भटकदे नहीं, कदे भी गलत रस्ते ते नहीं जांदे। गुरबाणी सानू गलत रस्ते ते जाण ही नहीं दिंदी। तो देखो भाई जेकर गुरबाणी नूं पढ़दे हो, गुरबाणी नूं मन्नदे हो तो फिर गुरबाणी के दसे हुए रस्ते ते भी चलो, गुरबाणी के ज्ञान नूं हासिल करो तां जो ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਵਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।